गाइस, कुछ साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि फॉग में इतने सीवियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बैक टू बैक, और मुझे लगा था कि ये पूरी पूरी ड्राइवर की गलती है। मेरा खुद का अभी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा था फॉग में चलाने का, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है, और फॉग या धुंध में गाड़ी चलाना सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा, लेट्स गो। धुंध का ये कहर है कि पूरा पानी पानी हो गया है गाड़ी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो, वेलकम टू द ब्लॉग। सो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेरे ड्राइविंग स्किल की, जो कि बढ़िया नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपनी मम्मी को पिकअप करने गया था ब्यास। एक्चुअली जलंधर कैंट के आगे एक रेलवे स्टेशन है, तो मेरे मम्मी बॉम्बे से आए थे, तो मैं खुशी खुशी वहां पहुंच गया। तो शाम का टाइम था, मैंने भी इतना ख्याल नहीं किया, और क्या हुआ, यहाँ पे पंजाब में शाम को धुंध बहुत पड़ती है। तो अब मतलब मेरी ड्राइविंग स्किल्स तो ठीक है, मुझे गाड़ियों का हॉर्स पावर और वो कैसी लुक्स कैसे उनके वो सब अच्छा लगता है, बट ये जो गैजेट होता है इसका, एसी वेसी का, उसका ब्लोवर, उसका फॉग लाइट, ये सब का मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कभी आया नहीं था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं पहले बॉम्बे में था और फिर 7-8 साल हैदराबाद में था, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा था वहाँ भी। तो उसमें क्या हुआ कि ये सब एसेसरीज का इतना कभी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है, कभी ठंडी हुई नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3-4 डिग्री चले जाते हैं, तो उसकी वजह से रास्ते पे बहुत सारी धुंध हो जाती है, फॉग हो जाती है, और आप स्मॉग बोल लो उसको, या धुएं से जब वो मिल जाती है तो स्मॉग हो जाती है। तो वो कांच पे और अंदर वाले साइड में और बाहर वाले साइड में काफ़ी हो गई थी। तो लिटरली मेरे को रास्ते में ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स का सफर था, तो रुक रुक के आना पड़ा हमको रास्ते पे, बिना समझ के कहीं खड़ी करनी पड़ रही थी गाड़ी। और मैं भी, जिनके फॉग लाइट्स थोड़े अच्छे कंडीशन में थे, जो अपने चीज़ों को सही से यूज़ कर रहे थे, वो हमारे साइड से एक 15-20 की किलोमीटर स्पीड पे निकल जा रहे थे, तो उस टाइम पे तो वो स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये ब्लॉग में मुझे शेयर करना था कि एक्चुअली जो मेरा एक्सपीरियंस था ये एक्चुअली रिस्की ड्राइविंग करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम एक्चुअली है कहाँ और जा कहाँ रहे हैं। सिर्फ गूगल मैप पे दिख रहा था कि आपकी गाड़ी यहाँ है और आप स्ट्रेट रोड पे जाना है, बट उस इवन तो गूगल मैप दिखा रहा था कि स्ट्रेट जाना है, फिर भी वो रास्ते में जो व्हाइट पट्टी होती है उसको पकड़ के चलने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फॉग जो थी वो सीधा ऐसे गाड़ी से कांच की तरफ ऊपर को आ रही थी, रास्ते से सीधा ऊपर को आंखों में चढ़ रही थी, तो एक शील सी बन गई थी। और मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया था कि ये जो फॉग लाइट है बोलते हैं ये इनफैक्ट फॉग के लिए ही यूज करना है, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। और दूसरा चीज ये था कि हमारे कांच के जो अंदर का साइड है उधर भी अच्छी खासी परत बन गई थी पानी की, या फॉग की बोल लो, तो उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैं एक्चुअली एसी गर्म कर रहा था, जो कि एक्चुअली गलत तरीका है। अंदर की स्मॉग को निकालने के लिए या फ्रॉस्ट को निकालने के लिए आपको एक्चुअली एसी को ठंडा रखना है और ब्लोअर फुल चला देना है, तो उसकी उससे वो जाती है इसका। तो आने के बाद अगले दिन मैंने काफी इसका ऑनलाइन देखा क्या है क्या नहीं है, तो मुझे लिटरली ऐसा शॉक लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अब आके कोई ट्राली या ट्रैक्टर हमारे में लग सकता है, इतना लिटरली हम लोग डर गए थे, बट नेवरदलेस बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो मुझे इसमें ये शेयर करना था कि ये जो अपनी बेसिक एमिनिटीज है, भले आपकी गाड़ी टॉप मॉडल है, मीडियम वेरिएंट है, या फिर बेस मॉडल है, ये चीज़ें आप इंश्योर करिए कि आपका फॉग लाइट और आपका जो ब्लोअर है, जो डिफ्रॉस्टर है पीछे की विंडशील्ड का और आगे की जो शील्ड है उसका वाइपर चल रहा है। जब हम रास्ते पे होते हैं तो ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर करने में टाइम नहीं मिलता, इवन तो अपने को पता है तो भी रास्ते के हालात ऐसे होते हैं कि लोग थोड़ा रफ चला रहे होते हैं, कुछ लोग हेल्पफुल, काफी लोग हेल्पफुल ही होते हैं, बट दिमाग चलता नहीं है।
उस जब हम वापस आ रहे थे एक्चुअली टेम्परेचर कुछ चार का था और उसकी वजह से मुझे ये था कि इंटरनल हीटर चलना चाहिए बट अंदर की स्मॉग को निकालने के लिए हीटर ठंडा करना था। फिर हमने क्या किया कि खिड़कियां खोल दी और खिड़कियां पूरी खोल दी तो फॉग अंदर भी आने लग गई बट उसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर की फॉग जो थी मॉइस्चर जो था वो कम हो गया। और हमने क्या किया कि अपना जो हेडलाइट्स थी, इनफैक्ट क्या होता है कि अगर आप फॉग में हेडलाइट्स यूज करोगे तो आपको लिटरली कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि आप कोई पहाड़ी पे चढ़ गए हो और सिर्फ बादल ही बादल हैं, ऐसे फील होगा। हमको वैसे ही फील हो रहा था तो कहीं मतलब ऐसा कुछ टर्न वर्न करते मुझे ऐसा मैंने अपनी लाइटें बंद कर दी गलती से। मुझे नहीं पता था कि लाइटें बंद करके शायद विजिबिलिटी बढ़ जाए, तो हुआ क्या कि मैंने जब लाइटें बंद की और तब हमें थोड़ी विजिबिलिटी आई तो लकीली एक गाड़ी पीछे से आई जिसके इंडिकेटर भी चल रहे थे पार्किंग सेंसर वाले और उसकी फॉग लाइट या जो भी बोल लो थोड़ी नए मॉडल की गाड़ी थी तो वो बंदा डिसेंट स्पीड पे जा रहा था 25-30 किलोमीटर पे तो मैं उसके पीछे लग लिया तो उसको फॉलो करते करते बिना लाइट यूज किए ना ही अपनी हेडलाइट ना ही अपनी फॉग लाइट यूज किए सिर्फ अपने पार्किंग जो लाइट्स हैं इमरजेंसी लाइट्स बोल लो उसको चला के क्योंकि कभी ट्रैक्टर ट्राली वाले को दिखता नहीं है कि सामने गाड़ी भी है तो वो चालू करके मैं आ गया घर पे पहुंच गए। बट उसके वीडियोस कुछ मैं इसमें डालूंगा। आप लिटरली देख सकते हैं कि एक 10-15 मीटर के आगे विजिबिलिटी नहीं है जब आप स्टैंडिंग हो, जब आप कार में हो तो और भी कम हो रही है, अगर आप बाहर खड़े होते हो तो आपको एक 10-15 मीटर दिख रहा है बट आप जब कार में बैठ रहे हो तो आपको हमें हार्डली 4-5 मीटर आगे दिख रहा है। तो मेरी शायद फॉग लाइट इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी तो उसकी वजह से मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ठंडे इलाके में हो, जैसे समझो नवंबर टू फरवरी में कहीं नॉर्थ में जा रहे हो, तो आप प्लीज इंश्योर करो कि आपके फॉग लाइट्स, आपके वाइपर्स, आपका पीछे का डिफ्रॉस्टर चल रहा है और आप एक सूखा कपड़ा भी डेफिनेटली रखिए क्योंकि कल परसों जब ये इशू हुआ था या प्रॉब्लम हुआ था तो हुआ क्या कि हमारे पास एक हमको एक्चुअली रोड से नीचे उतरने को जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि वो रोड ऐसा था कि उसके आजू बाजू में खेत ही खेत थे। तो लकीली क्या हुआ कि एक होटल आया था, होटल ने कुछ ऐसे जगमग लाइट लगा रखी थी झाड़ पे, उससे हमारी थोड़ी विजिबिलिटी हमको लगा कि कुछ यहाँ पे है तो हमने गाड़ी नीचे उतारी और वहां जाके अपने कांचों को मैनुअली पूरा साफ किया। इवन तो ये गाड़ी पूरी ऑटोमेटिक है फिर भी मतलब मुझे एक्चुअली ये सब चीजों में इतना ज्यादा कीन इंटरेस्ट नहीं था जो कि अभी मुझे आ गया है क्योंकि लिटरली कल एक आधा डिसीजन गलत होने की वजह से भी थोड़ा फेटल हो सकता था। तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल जो रास्ते में थे जिन्होंने मतलब सबका विजिबिलिटी का जो कम विजिबिलिटी है उसको रिस्पेक्ट किया और एक दूसरे को हेल्प करके निकाल रहे थे। गाड़ियां वाले एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प करके या कोई रुक गया है तो उसको गाइड कर रहे थे कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। नहीं तो अगर कोई अकेला हो और रास्ते पे एक भी गाड़ी ना हो तो बंदा फंसा फंसा फील करता है और फिर मतलब ऐसी चीज से निकलना मुश्किल है। इवन तो आपको समझो 5-6 किलोमीटर ही जाना है बट अगर विजिबिलिटी नहीं है तो वो भी 5-6 किलोमीटर 500 किलोमीटर जैसा लगता है। तो ठीक है, ये ब्लॉग यहाँ एंड करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप टू कंटिन्यू शेयरिंग व्हाट एवर आई एम गोइंग थ्रू और एक्सपीरियंसिंग। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय।